ऑडिशन कितने बजे से दर्शन शुरू हुए? सुबह 5 तारीख को सुबह 5 बजे से दर्शन माता जी का मंत्र 11 बजे चल रहा है। कोरोना को देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? गाइडलाइन का पालन करें। हमारे यहाँ बने हुए हैं, वहाँ से मास्क सैनिटाइजर ये हमारे पास है, उसका व्यवस्था है और क्रमबद्ध पेश करें। गुरु जी बीएमपी व आम जनमानस के लिए किस तरह की व्यवस्था रहती, कैसे हो रहा है? ऐसा है, हमारे पास शासन प्रशासन से दो रस्ते बनते हैं, रस्ते से आप अपने जो आएंगे उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, जब भी आएंगे तो पूरी व्यवस्था की जाएगी। हमारे मंदिर प्रसाद मंदिर प्रसाद के बाद शासन प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। महाराज जी आज ये किस लिए प्रेस वार्ता रखी? धनतेरस का मानने वाले क्या महत्व इसका कैसे दर्शन करें? देखिए धन त्रयोदशी तीन पूजों से मनाई जाती है। एक तो भगवान हनुमंतरी की जयंती है और इसलिए हमारे माता अन्नपूर्णा मंदिर में तीन देवियां स्थापित हैं जो पूज्य महानदेवी संतरपुर जी महाराज जी बता रहे थे। तीन देवियों में हमारे यहाँ भूदेवी है, लक्ष्मी देवी है और अन्नपूर्णा देवी है। भूदेवी भूमि की समृद्धि, धन धान्य की समृद्धि और समस्त वैभवों की समृद्धि के लिए मानी जाती है, क्योंकि धन्वंतरी जयंती भी उस दिन है, सबको आयुष्य और आरोग्य प्राप्त हो। इस दृष्टि से भी भगवती की उपासना आराधना करने का हमारे सामने हमारे सुश्रुत ग्रंथों में हमारी इसके साथ साथ जो लक्ष्मी देवी भी विराजमान है और उस दिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योग है भौम प्रदोष योग, प्रदेश महालक्ष्मी की पूजा करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति इस दिन धनतेरस को माता अन्नपूर्णा स्वर्णमयी का दर्शन करेगा उसको सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य की समृद्धि होगी। तमाम ऐसे महायोग उस दिन बन रहे हैं जिनसे माता के चरणों में जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक भगवती तीनों देवियों का एक साथ दर्शन करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, आयुष्य और आरोग्यता पूर्णतः उनसे साथ जुड़ जाएगा और उनका जीवन सफल रहेगा। इसीलिए माता दर्शन का महत्व बताया गया। 5 बजे से मंगल आरती करने के बाद महान शंकरपुरी जी महाराज जी आरती करेंगे और उनके आरती करने के बाद माता दर्शन होगा और महान शंकरपुरी महाराज जी के हाथों से खजाने का वितरण किया जाएगा। जो लोग भक्त आएंगे दर्शन करेंगे और वो महान शंकरपुरी जी महाराज जी के हाथों से खजाने को प्राप्त करेंगे।